मिफ्ताह और साफदा की एंट्री नए वजीर खजाना नामजद मिर्जा इस्माइल असीफा नवाज शरीफ को पेश कर दिया। इसाफदार नए वजीर खजाना नामजद इसाफदार की शहबाज शरीफ के साथ ही वतन वापसी कन्फर्म। आज पाकिस्तान जा रहा हूँ, इसाफदार मंगल को सेनेट की रुकनियत और बुध के रोज वजारत का हल्फ उठाऊंगा। इसाफदार मिफ्ताउट हिसाबदार की एंट्री नए वजीर खजाना नामजद मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा नवाज शरीफ को पेश कर दिया। इसाफदार नए वजीर खजाना नामजद इसाफदार की शहबाज शरीफ के साथ ही वतन वापसी कन्फर्म। आज पाकिस्तान जा रहा हूँ, इसाफदार ने कहा, मंगल को सेनेट की रुकनियत और बुध के रोज वजारत का हल्फ उठाऊंगा। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जबकि इसाफदार को वजारत के लिए नामजद कर दिया गया है। लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्की मजमू सियासी कौमी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसाफदार मरियम औरंगजेब, मिफ्ता इस्माइल, मलिक मोहम्मद अहमद खान और अहमद चीमा भी शामिल थे। इस मौके पर मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को पेश करते हुए कहा कि वजारत आपकी अमानत थी, आपने ही वजीर बनाया था, चार माह में अपनी भरपूर सलाहियत से काम किया, पार्टी और मुल्क से वफादारी निभाई। मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुश्किल तरीन हालात में जिम्मेदारियां निभाने पर मिफ्ता इस्माइल की कोशिशों को सराहा। इजलास में मौकफ अपनाया गया कि साबिक हुकूमत की लगाई मौशी तबाही की आग मौजूदा हुकूमत को बुझाना पड़ी, जबकि नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सेनेटर इसाफदार को वजारत खजाना के लिए नामजद कर दिया। उधर इसाफ कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान रवाना हो रहा हूँ, मंगल को सेनेट की रुकनियत का हल्फ उठाऊंगा। वजीर आजम और नवाज शरीफ से मुलाकात में अहम फैसले हुए, बुध को वजारत का हल्फ उठाऊंगा।